अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। भाई तेरे यहाँ लेटरिंग बनी है? हाँ भाई बनी हुई है। हमारे यहाँ तो दाल चावल बने भाई। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। उनको खाना तो बनाना नहीं आता था, पर पागल बहुत अच्छे से बनाते थे। आप कहाँ से हैं? पटना से। पटना कहाँ है? जहाँ पटाओगे वहाँ पट जाएंगे। अरे ये मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि किस जगह पटना है? यहाँ जिस जगह ले जाओ वहाँ पट लेंगे। आर यू कॉमेडी मी? दिल कहता है कि किसी का बुरा मत कर, तेरे साथ भी वैसे ही होगा, पर मैं दिल से एक ही बात पूछूंगा कि ये दिल अच्छा कर करके जाले तूने क्या उखाड़ लिया। युवराज। हाँ। तेरे पास कोई रूम की जुगाड़ है? ओ भाई रूम की जुगाड़ लड़की वड़की है, हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, उसके बाद तेरे ही नंबर है। म्यूजिक। बड़ा हरामी हो बेटा। अपनी जिंदगी का कुछ यही अंदाज रखता हूँ मैं। हमसे कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे। पेट भर गया, बहुत रात हो गई, तू भी खाना खा ले जाके। हाँ यार खा रही, फिर मैं बाहर जाऊंगी। ठीक है, तो ये नहीं पूछेगा कितनी रात में बाहर क्यों जाऊंगी? इसमें पूछने की बात क्या है, भूतनी रात को ही तो मंडराती है। तू कम बोल रहा है। सीसे जैसा किरदार होगा जनाब, सियासत जैसी दिखावट नहीं मिलेगी। के सीसे जैसा किरदार होगा जनाब, सरकार जैसी दिखावट नहीं मिलेगी। हमारी जुबान में कड़वाहट मिल सकती है, हमारे जमीर में मिलावट नहीं मिलेगी। Hey, y'all come look at this. अरे तू तो काला है। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर। A few inches later. भाग तेरी मां की। गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। गजब बेइज्जती है। अरे इग्नोर करके साबित क्या करना चाहती है? मैं अपनी पे आ गया ना, भूल जाऊंगा कि तू सामने भी खड़ी है। यार उद्देश, जब मेरा लफड़ा हुआ तब तू मेरे साथ था भाई, मेरा एक्सीडेंट हुआ तब भी तू मेरे साथ था, मैं एग्जाम में फेल हुआ तब भी तू मेरे साथ था, मेरी लाइफ की लगी पड़ी रही, पर भाई तू मेरे साथ है। मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा भाई। अबे मादरचोद, ऐसा लगता है मुझे तू ही पनौती है। गजब बेइज्जती है। अपनी दाल रोटी में सब्र है हमको, बेईमानी की दावत चखते भी नहीं हम। अजी अपनी दाल रोटी में सब्र है हमको, बेईमानी की दावत चखते भी नहीं हम। माना तुम्हें पाना थोड़ा मुश्किल है, जो आसानी से मिल जाए उसे रखते भी नहीं हम। यार पापा ने बहुत मारा यार। क्यों? अरे यार पापा मेरे को पैसे दे रहे थे, कह रहे अपनी पसंद का कुछ भी ले आ, तो मैंने कहा पापा पैसे रहने दो। पापा बहुत खुश हुए, कह रहे अरे मेरा बेटा कितना समझदार हो गया। फिर मैं जैसे ही अपनी पसंद की चीज लाया, पापा ने मेरे को पता नहीं क्यों बहुत मारा। क्या लाया था? अपनी गर्लफ्रेंड। सही फिगर तेरे को। जो जलते हैं उनके दिलों में तो आग लगा गया, और आप सभी का प्यार है जो मैं यहाँ तक आ गया। सुनो ना, तुम्हें कैसे लड़के सबसे ज्यादा पसंद है? जो लॉयल हो ना, वैसे लड़के मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें पता है मैं बहुत ज्यादा लॉयल हूँ। कैसे? आज भी आरसीबी का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। चल झूठा। कहते आगे नहीं आने देंगे, मैंने कहा जलती आग को देखकर आगे आगे खुद दौड़ोगे, और बेटा जब हमें आता देख लिया ना, रास्ता तो तुम खुद छोड़ोगे। नथिंग कैन स्टॉप मी।
अच्छा सॉरी ना, प्लीज मान जाओ मैं बोल। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी क्योंकि तुम बहुत ही बच्चों वाली बातें करते हो। तुम्हें नहीं रहना? नहीं। ठीक है, आधा पाधा कर लेते हैं। शायद बहुत कीमती हूँ मैं, इसीलिए तो सबको जरूरत पर याद आता हूँ। जानू आप किसी और से बात करते हो ना, मुझे बहुत जलन होती है। जिसकी होती है शादी वो बैठते है घोड़े पे, और जो मुझसे जले वो मैं ऐसा जलना पसंद करूँ। प्यारी समझ गई। सारा परिवार मिलता था, खुशियां इकट्ठा होती थी। ये वही समय था जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी। कोई मैं सोच रहा हूँ कहीं घूमने चलते हैं। हाँ यार चलते हैं, चलते हैं। बता कहाँ चले? शिमला चलते हैं, वहाँ पे बर्फ भी होगी। बर्फ तो घर पे भी है। तो फिर तो हमें चिड़ियाघर भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? जानवर तो घर पे ही है। तमीज से बोला कर। पीठ पीछे नफरत और मुंह पर प्यार, कि पीठ पीछे नफरत और मुंह पर प्यार, इस दुनिया का यही है कारोबार। मतलबी दोस्त है, मतलबी भाई। मेरा ना रिचार्ज खत्म होने वाला है। ओहो कोई बात नहीं, मैं ना बाहर जा रही हूँ, जब रिचार्ज करना होगा मैं तुझे कॉल कर दूंगी। हाँ बस 5 मिनट पहले कॉल करके बता दियो। क्यों? ताकि अपने फोन से जब कर सकूं। का कमीना। कभी समझौता किया तो कभी ख्वाहिशों को मार गए, कि कभी समझौता किया तो कभी ख्वाहिशों को मार गए, ना जाने मतलबी रिश्तों को बचाते बचाते हम खुद से कैसे हार गए। अंदर, अंदर। एक बात बताओ। सुनाइए। ना तुम सुंदर हो ना तुम हॉट हो, पर इतना सारा एटीट्यूड लाती कहाँ से हो? ये उनसे पूछिए जो हमारे सपने देखते हैं। सोशल मीडिया पर ब्लॉग तो बच्चे करते हैं, हम बड़े हैं, हम इग्नोर करते हैं। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।